तो मैं रोज यहाँ नाड़ी परीक्षा करता हूँ और रोज नए अनुभव आपको शेयर करता हूँ। ये मैडम आई थी और ये मैडम खुद बताएंगी कि इन्होंने कुछ जांचें कराई थी, उससे पहले मैंने इनकी नाड़ी देखी। आप बता दीजिए मैम थोड़ा सा। जी नमस्कार, मैं प्रीति नेगी। आज मैं फर्स्ट टाइम सर डॉक्टर साहब के पास आई, तो मुझे घुटनों की प्रॉब्लम थी, तो मैंने सर को दिखाया तो सर ने नाड़ी देख के ही बता दिया, क्योंकि मैंने रिपोर्ट करवाई थी, मैंने जांच करवाई है, तो उससे पहले ही सर ने मुझे बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। जबकि रिपोर्ट आपने बाद में दिखाई है। जी सर ने बाद में देखी, उससे पहले ही सर ने मुझे बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है। मैंने इनको बता दिया है, अभी इनको टेक्निकल टर्म में समझ में नहीं आया, मैंने इनको आम बात बताया जो इनके संधियों में आम के संचित से होता है। इनको स्टिफनेस रहती है और ये थोड़ा सा जिम जाती है, तो मैंने इनको एडवाइस किया कि आप जिम ना जाएं, आप योग करें और आप थोड़ा डाइट रिस्ट्रिक्शंस करें और आप आयुर्वेद की जो पंचकर्म है विद्या जिसमें डिटॉक्स करते हैं उसको फॉलो करें। तो देखिए नाड़ी परीक्षण से हम सिंपली जो इन्होंने टेस्ट कराया था करीब ये पूरी की पूरी टेस्ट की फाइल है, इनकी फोल्डर है, और इस टेस्ट में जो चीजें थी दो ही चीजें इनकी आई थी इस टेस्ट में, एक तो ESR बढ़ा हुआ था इनका, और जो कि आप सब जानते हैं कि कहीं पर भी जोड़ों में सूजन हो तो बढ़ा हुआ आता है, बस एक इसमें ESR में इनकी अबनॉर्मलिटी थी, बाकी इनकी सारी की सारी रिपोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है। तो मैंने इनको नाड़ी से ही बता दिया कि इनको कुछ नहीं, आमवाद की प्रारंभिक अवस्था है और इनकी जेनेटिक हिस्ट्री भी है। तो मैं इसलिए कहता हूँ सारे वैद्यों को आपको नाड़ी ज्ञान सीखना चाहिए। नाड़ी ज्ञान से क्या होता है, रोगी का एक तो खर्चा बचता है, उसके इन्वेस्टिगेशन का खर्चा बचता है, आपकी डायग्नोसिस प्रिसाइज होती है और रोगी का आपके प्रति विश्वास बढ़ता है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो फायदा होता है आपकी चिकित्सा एकदम प्रिसाइज ट्रीटमेंट होती है। तो धन्यवाद, तो आप जरूर सीखिए नाड़ी परीक्षण। थैंक यू।